हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है शिवरात्रि और मैं पूरी रेडी हो ही गई हूँ। जब मैंने मम्मी का व्लॉग स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ और मम्मी पापा के घर पे ही हूँ। तो यहाँ पर है बहुत ही अच्छा एक शिव मंदिर, तो वहाँ पर आज मेला भरता है, तो मैं कहूँ दर्शन करके ही जाऊँगी। दर्शन करके फिर आज ऋषभ देव के लिए निकलती हूँ। और मम्मी की साड़ी पहनी है आज तो मैंने, पीछे मिट्टू चीची चीची कर रहे हैं। जब आपको पीछे का व्यू दिखाती हूँ, पूरा पीछे एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी है और मिट्टू भी चीची चीची कर ही जा रहे साथ साथ में। बिबिप क्या कर रहा है? अच्छा, बिबिया गेट वेट कुछ खोल रहे होंगे। तो थोड़ी बहुत रेडी होनी बाकी हो, कंप्लीट रेडी होके एक बार मंदिर जाऊंगी। मंदिर में शायद फ़ोन से ही शूट करूंगी क्योंकि आज तो भीड़ होगी फुल। ये मेला भरता है तो मंदिर में जाने के लिए भीड़ होगी। अभी कैमरा निकाला तो वार्डरोब खुला ही छोड़ दिया मैंने, और अंदर मंदिर में भी दर्शन कर लेती हूँ, बाल बाल बना के फिर मंदिर जाते हैं। अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। अभी फोन को लेके जा। हाँ, ले भाई फूल भी रहे भी नुकिए दर्शन करना। तो ये मेरे भाई सब आज श्रद्धालुओं की सेवा करते हुए, क्या रूअफजा मेकिंग? तू दिख रहा है पूरा। चल ना, मैं भी करा रही हूँ, आ जा चलो। दर्शन हमारे हो गए। इससे पहले जो भी व्लॉग वीडियो थी वो फ़ोन में ली गई है क्योंकि मैं कैमरा लेके नहीं आई थी, इतना बड़ा लेके कहाँ घूमूंगी यूँ करके, पर अब आ गया है कैमरा। वैदिक बहुत थक गया है क्योंकि वैदिक के पैरों में जख्म लग गया है, बहुत गहरा जख्म लग गया है। अरे यार, आप तो लोन का आगे डूब गए। ये तो आ भी रहे, बस कैमरा मिस कर ही गया हूँ मैं। तो मैं मंदिर से आ गई हूँ और अब जा रही हूँ मेरे घर पे चिकू आगे लेने के लिए, पर अंदर आ नहीं सकते क्योंकि मैं वही फुल भीड़ है, इसलिए फोन भी उनका आ रहा है। बहुत खतरनाक भीड़ है। दर्शन क्या करें, दर्शन तो करवा नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, आपने भीड़ देखी होगी कैसी, कितनी खतरनाक मेले की भीड़ में पापा ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाली है और चिगू लेने आ गए। मुझे क्या पता एक दिन भी शांति से रहने नहीं देते पियर में, अगारी गए कब आ रही है कब आ रही है कब आ रही है कर करके परेशान कर दिया था। तो बस मैं ये आ ही गई। रात को मैंने मेरा पुराना सूट पहन लिया, मम्मी की साड़ी पहनी थी वो चेंज कर दी मैंने क्योंकि इतनी गर्मी में तो मैं बहुत परेशान हो जाऊँगी उधर के। तो अब जा रहे केशव जी, और मम्मी ने फलहार भी भर के दे दिया क्योंकि मैं खा ही नहीं पाई जल्दी जल्दी में, और चिकू के लिए स्पेशली चिकू को साबुदाने की खिचड़ी अच्छी लगती है। मम्मी ने बोला ले जा चिकू जी को अच्छी लगेगी। तो घर आ गए,
चिकू खाने बैठ गए हैं साबुदाने की खिचड़ी जो मम्मी ने भेजी है वो, और कैसी बनी है यूं भी बताओ। नहीं अच्छी है। अच्छी है, अभी तो एक नंबर बोल रहे थे, एक नंबर ऐसे बोलो। एक नंबर, वो अच्छी बोलने का तरीका है। घर पे आ गई हो, अब थोड़ा रेस्ट करूँगी, रेस्ट भी नहीं करने दिया मेरे को, और मैं सो गई थी, तुम्हारा फोन आया था तो मम्मी मुझे खिचड़ी बनी गई पर मैं उठा डो करते तो धो ही गई थी। तो झूठ नहीं, तब नहीं बनी थी, पर मैं थोड़ी देर सो गई थी 10-5 मिनट। फिर देर चिकू जैसे ही खाना खाते हैं फिर जाऊँगी शॉप पे, आज तो ज्योति भी नहीं आई शॉप पे। तो अभी हम ले रहे हैं फलार, एप्पल तो खा ली और ये अंगूर खा रहे हैं। अब थोड़ा रेस्ट भी करेंगे आज उपवास से। एक कट्टे, मैं तो ऐसी अंगूर खाए और रूम में आके ऐसी पड़ी हूँ और ऐसी सोई हूँ, डायरेक्ट अभी 6:30 बजे उठी हूँ। मेरे को इसलिए दोपहर में सोने का नहीं होता है, दोपहर में सोते टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है। मस्त चिपका के 2-3 घंटे नींद आ गई। अभी बनाती हूँ फलहार, मम्मी ने साबुदाने भिगा दिए, अब भूख लग रही है। कल्याणपुर भाग भाग में खा ही नहीं पाई थी इसलिए। तो अभी हमारे लिए हमने बना दिया है फलहार, मेरा मम्मी का तो उपवास है और चिकू और पापा का तो खाना है, पर चिकू खिचड़ी खा लेंगे, पापा के लिए आलू की सब्जी बनाई है। तो ये फलहार 29 खुद की फेवरेट। और अब रोटी बना देती हूँ, फिर करूँगी फलहार, और चिकू तब तक कर देंगे वीडियो एडिट, क्योंकि मैं एक दिन कल्याणपुर चली गई तो एडिटिंग हुई नहीं है और मैं भी बिजी थी। पर उनको कल का टाइम मस्त फ्री मिल गया, कल जल्दी पर सोए भी नहीं, लेट तक मेरे को फ़ोन ही कर रहे जा रहे थे बातें करने के लिए। खिचड़ी तैयार, दही साथ में, दही के 15 नमक डाल दिया, ये 1/4 तो जो था वो चिकू को मैंने सर्व कर दिया। थोड़ी ज़्यादा ही लेके आई थी क्योंकि उनको चाहिए थी, मैंने कहा मेरी प्लेट में ही ज़्यादा लेके जाऊँ तो दे दूँगी मैं यूँ करके। तो अब भी उपवास करते हैं। तो खाना खा लिया है अभी मैंने, मैं जा रही हूँ बाहर वॉकिंग करने के लिए। तो कल तो फ़ोन, परसों जब गई थी तब फ़ोन वोन लेके नहीं गई थी बाहर, तो वजन चल रहे थे 1100-1300, पर आज तो लेके जाती हूँ। ईयरबड्स भी पहन लिए हैं मैंने, तो गाने सुनते सुनते वॉकिंग करूँगी तो कैसे टाइम कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और वो अकेले में जो एंजॉय करने का मज़ा है और हवा के साथ जो म्यूज़िक सुनने का मज़ा है उसका कुछ आनंद ही अलग है, तो उस आनंद का लाभ उठाते हैं जाते बाहर। किचन भी अभी जस्ट मैंने क्लीन किया है और ये रहने दिए कढ़ाई, कढ़ाई में थोड़ा सा बाकी है तो जैसे ही, यानी मम्मी के थोड़ा खाना, मम्मी के ना शायद शगर करना बाकी है, वो भी कर देंगे फिर निकाल दूँगी। और यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड, और आज का व्लॉग देखने के बाद अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।